ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। गोरखपुर में विजयादशमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा में हिस्सा लिया, जहां मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का आशीर्वाद लिया और तिलक की रस्म अदा की। दशहरा के इस पावन अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने जनता को शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में विजयादशमी के मौके पर हर साल की तरह भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। रामलीला मैदान में दशहरा उत्सव के दौरान उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिकाएं के निभाने वाले कलाकारों के माथों पर तिलक लगाया। यह शोभा यात्रा गोरखपुर की पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जनता को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। उत्सव में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शहर में धूमधाम से दशहरा मनाया गया। दशहरा का इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और राम राज्य के आदर्शों का पालन करने की अपील की। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।